जोर से जोर से। वो बच्चे को क्यों रो रहा, उसको क्यों वो कर रहा था, क्यों तकलीफ दे रहा था बच्चे को, वो उसको मारने का था। जोर से बोल। हाँ कब मारने का था, अम्मास में पुन्नम में, झगड़ो उस कुत्ते के साथ। बच्चे को कब मारने का था, ना तोड़ दूंगा तेरा हाथ, जल्दी बोल। अम्मास को। हाँ अम्मास को। अच्छा कैसा मारने वाला था बच्चे को, बीमारी डाल के, क्या बीमारी में डाल के, क्या बीमारी डाल रहा था बच्चे को? बहुत बीमारी डाल दिया उसको। क्या क्या? उसके कान का ऑपरेशन करा दिया था। हाँ और का ऑपरेशन, अभी उसके दूसरे कान का ऑपरेशन कराने का था। हाँ क्यों, बच्चे की तेरी क्या दुश्मनी है? तड़पा के मारने का था बच्चे को। और उसके माँ को, उसके पूरे फैमिली को परेशान कर देने का था। अच्छा और वो मियाँ भी झगड़े भी लगा रहा था क्या तू? और बहुत लगा रहा था, बहुत। क्या कर रहा था? लगा रहा नहीं था, मेरे को लगाने भेजा था। अच्छा नाम मत बोल, कौन भेजा था? औरत भेजी थी, आदमी भेजा था? नहीं औरत है, औरत। हाँ औरत। नाम नहीं पूछा मैं, इसके बच्ची के ससुराल के तरफ की है, मायके के तरफ की है? वो मायके के तरफ की है, मायके की। अच्छा अच्छा जादू चला थे बच्ची का, क्या लग गए थे, क्या नाम है इसका? बहुत लेके गए। नशरा का क्या लिए थे, कपड़ा मट्टी बाल चप्पल क्या लिए थे? बाल। हाँ बाल, बाल लिए थे। कहाँ से लिए थे? इसके ससुराल में से चुराए, मायके में से चुराए? मायके में से। हाँ झगड़ो उसको तेज के साथ, झगड़ो उसको। नशरा को कब मारने वाला था, अम्मास में पुन्नम में? दोनों को भी खत्म कर देने वाला था। अच्छा पहले इसके पूरे बच्चे मार के फिर उसको मारने वाला था? नहीं उसको मार के फिर बच्चे। अच्छा इसको मार के फिर बच्चों को मारने वाला था? हाँ जल्दी बोल, पूरा जला दूंगा, झगड़ो उसको ना रहा है कुत्ते के साथ। सास को क्या तकलीफ दे रहा था उसके, क्या तेरा साथी है उसके ऊपर, तू दे रहा है कि दूसरा है वो? हाँ क्या तकलीफ दे के मारने वाले थे उनको, क्या नाम है? बानो। बानो भी को कैसा मारने वाले थे? टेंशन दे दे के चोरिया कर करके। अच्छा वो घर में से कौन चुरा रहा था, वो सोना कौन चुरा रहा उनके घर में का? जल्दी औरत देखे आदमी, वो नाम नहीं पूछा भाई, खाली शनाखत बता कौन है वो। हाँ तेरा साथी है क्या? हाँ जोर से बोल, जोर से सबको सुने आना, कौन है वो औरत आदमी है, खाली इतना बोल। हाँ जोर से आदमी। कितने बार चुराया उन्होंने अभी तक सोना घर में का? दो बार। कितने कितने तोले? जल्दी झगड़ो उसको और तेज एक साथ। फिर बानवी को कब मारने वाले थे, अम्मास में पुन्नम में? हार्ड ला के मारने वाले थे क्या, सुसाइड करा के, क्या कैसा एक्सीडेंट करा के? टेंशन दे दे के हार्ट आ जाता। टेंशन दे दे के हार्ट लाने वाले थे? अच्छा तुम्हारे बाप का राज चल रहा कमीन के बच्चों, झगड़ के रखो उसको तेजी से। और क्या दुश्मनी थी इसी, क्या दुश्मनी है? नाम नहीं पूछा मैं, खाली ऊपर नहीं आ रहा, तरक्की कर रहे बोल के, उनकी तरक्की को देख के चिढ़ के तभी बर्बादी लगा रहे, अब जाना ले रहे सबके। और बुढ़े से तो कब मारने वाले वो, सही बोल। उनको कैसे मारने वाले, क्या नाम है उनका, कौन है तुम्हारे? ससरे मेरे। कैसा मारने वाले, उनको मारने वाले क्या? नहीं। और किस किस को मारने वाले इधर से, बच्ची के ससुराल में से? ससुराल में से नहीं, मायके से है सब। अच्छा सब मायके से है, मायके वाले ऊपर नहीं आना। हाँ और बर्बाद हो जाना। तुम्हारे कौन है? ये बेटी है, बेटी है। बेटी। अच्छा झगड़ा झगड़ कर कौन नाला आपको, कारण जादू करने वाली औरत ही आदमी है। तीन होता है, तीन। जोर से हम तीन है।
तीन औरताएं। चलो ठीक है, नाला बन के रखो, अभी नाम नहीं पूछा मैंने, अभी अगर नाम बोले जबान काट दूंगा, दूसरे चक्कर में नाम पूछूंगा। नाला बन के रखो उसको, जब तक मार मार के खत्म करो उसकी सारी शक्तियों को। और बच्चे को क्यों मार रहा था उन्हें, जकड़ के लो उसको और तेजी से जकड़ो, उसके हाथ आप तोड़ देंगे, उसके तेजी के साथ जकड़ के रखो। ये इसका क्या नाम है, नीलोफर, नीलोफर को कहीं मिला के खिलाए थे दवा, जादू चलाने के बाद कहीं मिला के खिलाए थे कहीं में, जल्दी तोड़ दूंगा हाथ। जकड़ लो उसको अंदर से और तेज के साथ, और मार मार के उसके सारे शक्ति खत्म करो कम भक्तों के, वो जकड़ लो उसको और तेज से। जकड़ो उसको और तेजी से, मार मार के सबको नालायक होकर शक्तियों को खत्म करा उतार के अंदर। और कितने जनों को मारने वाले उसके घर से, बच्ची के वो माँ को बहनों को भाइयों को कितने टाइम पे मारने वाले, कितने कितने के हाथ में मारने का उसके। हाँ, और इसको भी नहीं, इसके भावने को मार दिए थे हमने, मार दिए। कितने टाइम पहले मारे, साल साल हो गया। कैसा मारे, हट आ गया था, बीमारी डाल के मारे, एक्सीडेंट करके मारे, पिला पिला के मार दिए। क्यों मारे, दुश्मनी, दुश्मनी कुछ नहीं, देखे नहीं जा रहा था, देखे नहीं। चलो ठीक है, इसको नाला खून सबको बन के डालो, इनको मार मार के खत्म करेंगे, इनको जकड़ के रखो तेजी के साथ में। कुछ और कुछ पूछना है क्या, उछाना है क्या, कुछ जल्दी बोलो। झगड़े बहुत हो रहे हमारे दोनों में, कौन लगा रहा है झगड़े औरत मरद में, वो जोर से बोल, मरछो क्यों लगा रहे, वजह लगाने की, वो अच्छा आदमी मिलने वाला है इसको। हाँ, मैं पूछ रही थी। हाँ, तो देखे नहीं जा रहा, देखे नहीं जा रहा बोल के तुम्हारे दोनों का तलाक कराने की जादू टोना कर रहा हूँ। हाँ, और कुछ पूछना है क्या, घर में हमारे धंधा कारोबार कुछ भी करे तो सीधा नहीं हो रहा। क्या बोल रही हो, सुने नहीं क्या, तुम्हारी तरक्की देख के जल के तुम्हारे पे जादू टोना करे, सब पूरा रिकॉर्ड हुआ तो सुनो ना उसमें, तो भाई नजदीक वाले शैतान क्या बात कर रहा, तो सुन रहे के कितने बार हाजिर हुआ उसके आने पे घर पे, बहुत बार क्या बोल रहा था, सवाल जवाब, सवाल जवाब सब अपने वालों का नाम बता। और कितने साल से चल रहा था तमाशा उसका, 8 साल के बाद मार देने का था, 8 साल कितने दिन बचे, 5-6 महीने। अब अगर चल रखे लोगों का जाना लेने को कम वक्त हो, जकड़ के रखो इसको, इसको मार मार के इसके नस नस में पूरी दवा जमा करके बाहर निकाल के फेंको उल्टा चुलाप लगा के। बंद कर डालो उसको, मार मार के खत्म कराओ। चलो इधर से लेकर कैमरा सामने से मेरे, ये जो दास्तान है, ये जो दास्तान चल रही, ये लगे वाला शैतान नहीं कहीं का, और ये कहीं का जिन्ना खबीस चुड़ैल बूटे से लगे वाली झपट नहीं है, ये लाकर खिलाकर आंग में छोड़कर उसको जागरूक करके लाते पकड़ के, और लाने के बाद खिलाकर आंग में छोड़ देते, और छोड़ने के बाद वैसे तमाशे करते उसको टाइम दिया होता जिसको मुंह बनना बोलते, और उसको उडेट दिया रहती, फिर उन्हें उडेट उसको मारेगा उससे पहले मारेगा उसको टाइमिंग दे दिया रहती। अब कैसा बोल रहा था, बच्चे को रुला रहा था, फिर उसके बाद उसकी माँ को भी ऐसा कर रहा था, घर में क्या क्या तमाशे कर रहे थे, तो नहीं देखे जाके कुछ
थ्री लेडीज है उनके बता रहा था उन्होंने ऐसा हरकतें करे और करके ये सब ले जाके बच्ची का क्या लेके उसमें बोला उन्होंने देखो बाला माला क्या लेकर थे कपड़ा कुछ और ले जाकर जादू टोना करे और जादू टोना करके ऐसा लाकर छोड़े। खुद को खुदाए वाला शैतान नहीं आए वाली दास्तान अलग रहती, लगे वाली दास्तान अलग रहती, लगाए वाली अलग रहती, सब अलग अलग है उसमें पार्ट और सबकी थ्योरी अलग अलग है, सबकी डिफिनेशन अलग अलग है, सबको अलग अलग तरीकों से काट के खत्म करना पड़ता। और ये जो है तो ये अंदर उसको ताकत जो देता अंदर पूरा शरीर में नस में उसकी दवा जो भीन के पड़ जाती वो उसको बुलाते रहती, पावर देते रहती, उसको भस्म करना पड़ता पढ़ाई के दौर से। जब अमल चलते जिक्र अस्कार अमल के दौरान में खुद को दवा सब बाहर निकाल के फेंकते हैं उठते हैं या जुलाब में दवा अगर थोड़ी सी समझो अलग अमल किए अच्छे वाले थोड़े अमल तो पूरे खराब ही चलते मगर किसी कदर समझो सिपली में उन्होंने समझो लाए समझो कुछ ताबीज वाबीज ऐसा पिला दिया कुछ कुछ भी समझो जो भी एक्स वाई जेड होंगी अच्छे लेवल की होंगी तो मुंह से निकल जाते हो बहुत ही खराब और गलीस पूरे जानवर की या नहीं जानवरों की इससे बनाने वाली अगर रही फिर वो जुलाब में निकलती। सब ऐसे अलग अलग दास्तान रहते अलग अलग तरीके रहते अलग अलग तैयारियां रहते उस हिसाब से अमल करना पड़ता है। सब जगड़ के जला के इनको पसंद करते इन सब सब सादे सादे इंसान ने इबादत करना इबादत की रस्सी मजबूती से थामना। तुम एक मामूल बना लो घर के अंदर और जिक्र करने का तरीका ये है कि तुम इस तरीके से पढ़ो अगर तुमने समझ में तस्बीह लिए और तस्बीह लेके अगर तुम समझो तस्बीह लेके पढ़ने वाले लोगों गौर से सुनो जितने भी लोग जो पढ़ रहे तो तस्बीह लेकर तुम अगर ऐसा पढ़ रहे होंगे यूं कि समझो सम एग्जांपल तुम समझो आयते करीमा पढ़ रहे समझो मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन बोलो तुम अगर ऐसा पढ़ के बीज छोड़ रहे एक फिर उस वक्त तुम सांस तोड़ दे रहे और सांस तोड़ के फिर तुम अगर पढ़ रहे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन दो तो इसमें क्या हो जाता मालूम क्या जो सांस टूट रही तुम्हारी फिर वो एक पे तुम और दो पे सांस तोड़ दे रहे तो इसमें तुम्हारे को लेजी पना दिल दिमाग तुम्हारा इधी चाले करेगा पढ़ते टाइम पे नको ना बाद में पढ़ेंगे ना अभी बस ना अभी जरा टीवी देखने देंगे दिल दिमाग भटकेगा टीवी देखने देंगे मोबाइल देखने देंगे और दिल दिमाग को नहीं भटकने देने का है तो फिर एक सांस में पढ़ने की कोशिश करना। एक सांस में बोले तो कैसा कि अब समझो मिसाल के तौर पर एक सांस में सात बार पढ़ने की कोशिश करना या पांच बार जितने देर तक तुम्हारी सांस भरती उतने देर तक पढ़ने की कोशिश करना। सम एग्जांपल ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन तुम अगर ऐसा एक सरीका एक सांस में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इससे तुम्हारा दिल दिमाग पूरा पढ़ने लग जाता और फिर लग के क्या करते हैं तुम आपको दूसरे तरफ भटकता नहीं तुम्हारा दिल दिमाग और तुम वहां मुकम्मल टारगेट करते और बरोबर टारगेट तक पहुंचते और तुम आपको फिर कुछ दिनों बाद पढ़ाई में मजा आना चालू हो जाएगा जिक्र का नशा लग जाएगा तुम जैसा बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने का फूकने का नशा रहता सिगरेट फूकने वाले को सिगरेट फूकने होना तुम्हारे और क्या रहता पूड़ी खाने वाले को पूड़ी खाने का नशा होना जिसको जिसका नशा रहता उसको उसका नशा होना जरूर रहता फिर वैसा तुम्हारा इबादत का नशा हो जाएगा और इबादत का नशा जब तुम्हारा हो जाएगा तो फिर तुम क्या करेंगे मालूम क्या खाली जिक्र अस्कार करते बैठेंगे फिर चलते फिरते उठते तुम्हारा इतना मजा आएगा हर वक्त तुम्हारा जबान पे जिक्र चलेगा फिर तुम्हारी दुनिया भी बन गई आखिरत भी बन गई सब तुम्हारा सवर का। इसलिए करो ये जो तरीका बताया ना इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा एक सांस में ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ सकते उतना पढ़ने की कोशिश करना फिर जब सांस टूटती तो फिर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन दिल दिमाग का उधर बढ़ता और उधर जाने लगा दिल दिमाग का फिर सब मिलकर तुम्हारे को भटकता नहीं जहन और बरोबर तुम पढ़ते फिर हजार बार पढ़ते 10,000 बार पढ़ते जितने बार बोले उतने बार पढ़ते तुम्हारा मजा आता और तुम पढ़ने में मजा जब आने लग गया फिर तुम्हारा सारे जादू टोना सब हटना चालू जाता तुम्हारे ऊपर। इसलिए इबादत का जिक्र अस्कार का नशे में ढल जाओ और वो नशे में डूब जाओ तो वो नशा ऐसा है तुम्हारा दुनिया और आखिरत बना देगा और तुम दुनिया के नशे में डूब जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे तबाह हो जाएंगे आखिरत भी गई दुनिया भी गई और सब कुछ इतने मिलेगा फिर तुम। इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे और ये जादू टोने से देख लीजिए ना कैसा करते परेशान करके सबको मारते बच्चों को मारते इंसानों को मारते कैसा बता रहा हो घर में से कौन चोरी करा उसका तो नाम तो बताने लगाता था मैं अभी इसलिए नहीं बताया कि लड़ाई झगड़े होंगे बोल के कौन घर में से सोना चुरा के ले जा रहा उसको एक मौका दिए उसको सुधरने का उन्होंने इज्जत से सुधर जाना और सुधर के वापिस घर में जो भी चुराया जो भी बचे वाले पैसे होंगे तो ला के रख देना नहीं रखेगा तो उसका नाम यकीनन दूसरी बार में या तीसरी बार में पूछा दूंगा मैं। इसलिए सुधर जा बाज आ जा सब मालूम है मेरे को कौन चुरा रहा क्या दास्तान मैं मेरे जबानी नहीं बोलता पकड़ के पूछा है ना पूछा दूंगा नाम इस वास्ते बेहतर है कि सुधर जा एक मौका दे रहे चोरियां करना अच्छी बात नहीं है नालायक हो चोरी करेंगे तो तुम अगर एक भी चीज चुरेंगे कुछ भी तो तुम्हारे खबर का सांप और बिच्छू बन जाएगा।
अपने हाथों से। अल्लाह तुमसे 70 माँ की मोहब्बत करता, अल्लाह तुम्हारे को आजाब नहीं देता, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते जन्नत बनाया और तुम्हारे आमाल बुरे जो है उन्होंने तुम्हारे वास्ते जहन्नुम बनाए वाली। तुम एक चीज चुरा लेते हो जिस खबर का सांप बन जाता, एक गाली किसी को मजाक में भी दे देते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, तुम अगर मजाक में भी किसी को गाली दे रहे तो तुम्हारे खबर का एक बिच्छू बन जाता। तो तुम अपने खबर में सांप बिच्छू खुद पैदा कर रहे हो और बाद में अल्लाह को बोलिए क्या ये सांप कहां से आके मेरे को काट रहा है, बिच्छू कहां से आके मेरे को आजाब दे रहा। तुमने अपने हाथों से पैदा करे, अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को जहमत नहीं देता, सबसे 70 माँ की मोहब्बत करता। तुम्हारी एक माँ तुम्हारे तकलीफ होगी तो रात भर सो नहीं सकती, तो बताओ अल्लाह तो 70 माँ की मोहब्बत करता तुम आपको कैसा फिर तकलीफ में डालेगा। तुम्हारे आमाल ले जाते खींचते हुए तुम्हारे तकलीफों की तरफ और बाद में घसीटते हुए ले जाके जहन्नुम में भी डालते तुम्हारे आमाल। इसलिए नेक बनो, अच्छे बनो और राह फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह पर चलो, सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, तुम महफूज रहेंगे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसा नहीं है कि जादू खाली मुसलमान पे चलता, जादू हिंदू पे नहीं चलेगा, सिख पे नहीं चलेगा, ईसाई पे। जादू चलाने वाले जो लोग रहते वो इतने बदमाश रहते, उनको कोई जात पात धर्म नहीं देखते, और जादू जब चल जाता तो उन्हें भी तुमको ये देखता नहीं कि तुम हिंदू है क्या, मुसलमान है क्या, सिख है क्या, ईसाई है क्या, तुम बड़े अफिसर है क्या, तुम राजा है क्या, राष्ट्रपति है, वो गिनता नहीं थे। जादू बरोबर घुस के मारते शैताना, बरोबर घुस के हमला करते, जहां घुसना है उनको, जहां नहीं घुसना है, जहां नो एंट्री है वहां पे भी एंट्री मारते शैतान जिन्नात, इतने ताकतवर रहते। देखे ना क्या, रात दिन पकड़ के बता रहा हूँ ना मैं। इसलिए तुम्हारी इबादत ही जो है तो तुमको ढाल बन के बचाती, बाकी जिन्ना शैताना अकल के अंदर रहते उनको समझते नहीं। उनको जो हुक्म दे दी सिर्फ वही तामील करते हो, जाओ उसको फला फलाने को जहमत दो, मारो नदी में गिरा दो, फलाना कर दो, उसके दिल दिमाग को सड़ा दो, उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर कर दो, उसके दिल में कलेजी में पिल्ली में कैंसर कर दो, जो बोल दिए वो करते हैं। उतनी ड्यूटी रहती है, मैं पूछा रहा हूँ रात दिन कि उन्होंने बरोबर वो काम करते हैं, बरोबर मारते हैं। फिर उनको काटने वाला, उनको पकड़ने वाला अल्लाह का कलाम और कलाम इलाही की मदद से। जादूगरों के पास मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। कोई जादूगर झूठे वादा करते, फेंकते लफास ढोंगिया रहते नालायक, कुछ आता नहीं करने, उल्टा कर देते, तुम आपको सब बर्बाद कर देते। इसलिए खुद का इलाज खुद करना सीखो, और नहीं तो बुजुर्गों आने दीन के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास में जाओ। अल्लाह ने अल्लाह को जमीन पे आके इलाज नहीं करता, अल्लाह ने चुनिंदा बंदे बिठाए वाले अपने और उनके हाथ से फैज पहुंचाता। और सूरह मरियम में भी फरमा देता कि चमत्कार अल्लाह के हुक्म के सिवा नहीं दिखते, मौजज़ात अल्लाह के हुक्म से दिखते, अल्लाह फरमाता सूरह मरियम के अंदर। क्योंकि कोई अल्लाह का वली ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे टांग दिए थे तो फिर क्यों नहीं आपने बताए, जबकि आप ऐसा मट्टी की चिड़िया को फूंक मारते तो उड़ के चली जाती थी सही की बनके। अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को बोलते थे, उठ के बढ़ जाता था। जब आपको सूली पे चढ़ा रहे थे तो जब क्यों नहीं आपने बताया मौजज़ा, जब अल्लाह का हुक्म नहीं था ना, जहां अल्लाह का हुक्म रहता वहीं मौजज़ा दिखता। और अगर उस वक्त उन्हें मौजज़ा बता देते तो फिर लोग उनको जादूगर कहते थे ना, अरे जादूगर है जादूगर। इसलिए बहुत सारे बाल से बारीक डेफिनेशन है, फिर तुमको क्या पता असल के, लो समझो और संभलो। क्योंकि जो अल्लाह जो बंदों को चुनता ना, चुनिंदा जो अल्लाह के बंदे रहते उनके साथ अल्लाह खड़े रहता। पूरे तारीख पढ़ लो, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन खड़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन खड़ा था, सहाबा इकराम के साथ कौन खड़ा था, वली अल्लाहों के साथ कौन खड़ा है, बुजुर्गाने दीन के साथ कौन खड़ा है। बादशाह जंग के मैदान में जाता तो कोई बादशाह को फतह नहीं मिलती, पढ़ो तारीख के अंदर। जब बुजुर्गाने दीन के पास जाते, जब वली अल्लाह के सामने बैठ के दुआ कराते तो जब अल्लाह सुन के उनको फतेह देता, तो वलियों की दुआओं का तासीर रहता। अपने मनमानिया मत करो, ये बातों को शिर्क मत समझो। शिर्क है तुम बुत परस्ती करना, शिर्क है तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उसको शिर्क कहते। यहूद और नसारा ने तुम्हारे दिमाग के अंदर से बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? वो इस वास्ते उड़ा दिए कि तुम अगर उस राह पर चले जाएंगे तो फिर तुम्हारे में कोई अर्तबुल गाजी निकलेगा, तो फिर तुम्हारे में कोई सुल्तान फतेह मोहम्मद निकलेगा, तो फिर तुम्हारे में से कोई सुल्तान उस्मान निकलेगा जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डाल देगा, फिर तुम्हारे में से कोई बड़ा और मुस्लिम बादशाह निकल देगा। इसलिए तुम्हारे को बुजुर्गाने दीन की राह पर नहीं जान दे रहे, तुम राह पर नहीं जाएंगे, उनसे दुआ नहीं करेंगे, तुम्हारे जंगों में फतह नहीं मिलती, तुम बैठो भीख मांगते हुए मुसलमान हो, बेवा हो, अकल से फायदे लो, समझो। अल्लाह ने दुआओं में तासीर रखा, दुआ मोमिन का हथियार रखा अल्लाह है, और मोमिन बंदे दुआ करने के बाद तो दुआ कबूल होती। और मोमिन बंदे कौन है? कुरान में फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह के वलियां हैं। बहुत सारी बातें कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो कहाँ से आए थे? ये बच्ची कहाँ दिया लाए? सुन लिया ना सारी दास्तान? तुम्हारे तीन औरतें हैं मोहल्ले में, गए मुझे दुआ कर रहे, वो तो इससे पहले भी नाम बोला हमारा, मगर